यूपी के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान रिजवी ने मां सरस्वती का किया अपमान, जूते पहनकर मां की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रायबरेली जनपद के अमावा ब्लॉक के एक विद्यालय में स्वेटर वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे राज्य सूचना आयुक्त। कार्यक्रम में पहुंचकर मां सरस्वती की प्रतिमा पर जूता पहनकर माल्यार्पण किया। जैसे ही मीडिया ने कवरेज किया वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई। कैमरे की नजर पड़ते ही माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने जूते उतार दिए। वहीं विद्यालय के कार्यक्रम के बाद कोतवाली परिसर में प्रेस वार्ता भी की। प्रदेश सरकार के जन सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान रिजवी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए बनाए गए जन सूचना आयोग ने नई मिसाल कायम की है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जन सूचना आयोग का उपयोग भारी मात्रा में आम जनमानस कर रहा है। वहीं जन सूचना आयुक्त ने कोतवाली परिसर में साफ सफाई व रजिस्टरों के रखरखाव को देखा तथा फरियादियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोतवाली में साफ सफाई व रंगाई पुताई देखकर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उसी में जो है आज बच्चों को जो है समारोह है, उसमें मुझे मुख्य अतिथि की हैसियत से बुलाया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये चाहते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है कि शहर शहर में जाएं, गाँव में ना जाएं, मगर जो देहाती इलाकों में लोग नहीं जाएंगे तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी या तरबियत कैसे होगी, इसलिए मुझे कहा आपको आना है तो मैं चला आया। दूसरी बात है, मेरा इशू जो है चूँकि RTI है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि RTI कानून जो है वो जनहित में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जनहित में उसका इस्तेमाल होगा तो हिंदुस्तान से हमारे मुल्क से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा और लोगों को जनहित में उसका फ़ायदा होगा। जब से RTI कानून लागू हुआ है तब से लोगों को फ़ायदा मिलने भी लगा है कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना अनिवार्य है। अब ये मजबूर हो गए हैं अधिकारी छोटे हों या बड़े कि 30 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद में लोगों को सूचित करें कि हमने प्रार्थना पत्र पर आपके कार्रवाई कर दी है। इसी का नाम सूचना का अधिकार है।